नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज भी फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये देखिए मूली लिया है दोस्तों, तो इसी की हम सब्जी बनाएंगे। तो किस तरह बनाएंगे, चलिए आप लोगों को बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ये हमारे मूली के पत्ते हैं, ये हमारी मूली की जड़ है, तो इसी की हम सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मूली को साफ पानी से धो लिया है, ये देखिए। तो मूली की बहुत सारी रेसिपी खाए होंगे दोस्तों, तो एक बार सब्जी बना के खाइए, खाने में बहुत टेस्टी है। तो इस तरह हम उठा लेंगे मुट्ठी में, इनको हम बारीक कट करेंगे। तो हम मूली को काटेंगे। यहाँ पर हमने मूली के पत्ते काट लिया है, देखिए बारीक बारीक हमने कट किया है। अब इनको हम इधर रखेंगे, जो मूली की जड़ है तो हम लेंगे कद्दूकस मशीन, इसी से हम इस तरह मूली को कद्दूकस कर देंगे। आप चाहे तो इसको चाकू से काट सकते हैं। मूली को हमने कद्दूकस कर लिया है, तो अब इसको हम इस तरह निचोड़ देंगे। इसका जो पानी है इसको निकाल देंगे हम, देखिए। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा दाना, लहसुन की कलियाँ डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे, उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी अदरक लिया है बारीक कट करके, तो डाल देंगे। सारी चीज़ें हम बता लेंगे। यहाँ पे हमारा जो प्याज डाला है, सारी चीज़ें डाला, पक गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे मूली के पत्ते, इसको हम इस तरह मिला देंगे। तो दोस्तों, जो हमने मूली डाला है इसमें कद्दूकस करके, आप चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं। तो जो हम कद्दूकस करके मूली डाला है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, मसाला अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरह मिलाते जाएंगे। अभी इसमें जो पानी छूटेगा उसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची लिया, स्वाद के अनुसार नमक लिया, तो उसको डाल देंगे। अब इसको हम धीमी धीमी आँच में पका लेंगे। सारा मसाला हमने डाल दिया है इसमें, तो देखिए। यहाँ पे हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई। तो अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती, करें हम मिला देंगे। तो देखिए हमारी मूली की सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो अब इसको हम कढ़ाई को उतारेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मूली के पत्ते की सब्जी बना के रेडी कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारी सब्जी बनी है। आप इनको रोटी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ, आप जिस तरह खाना पसंद करते हैं उस तरह खा सकते हैं दोस्तों। तो इतने समय मूली की सीजन चल रही है, तो आप लोग इसी तरह बनाइए। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।